बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल फैमिली कुकिंग व्लॉग्स। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए चाय के साथ खाए जाने वाले केक की बहुत मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये केक बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। हम लोग इसको टी टाइम स्नैक्स में या चाय के साथ किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। तो ये केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 50 ग्राम जो है वो चीनी ली है और 50 ग्राम भी मैंने मैदा ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने मेजरमेंट के साथ ली हैं। तो आप लोग इसी तरह करिएगा, 50 ग्राम चीनी और 50 ग्राम मैदा लीजिएगा। तो उसके बाद मैंने उसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया है और इधर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं और जो चीनी मैंने 50 ग्राम लिया तो वो मैंने डाल के और इसको फ्लफी बीट कर लिया। तो जब ये बीट करने के बाद इस फॉर्म में आ जाए तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करना है। तो मैदा भी एकदम नहीं ऐड करना, बस थोड़ा बहुत ऐड करके और साथ के साथ मिक्स करते जाना है। तो सारा मैदा हम इसी तरह बैचेस में ऐड करेंगे। तो बस डाल के और विस्लर की मदद से इसको मिक्स करते जाना है और इसको हल्के हाथों मिक्स करना है। और जो चीज़ें हमने ली हैं वो चीज़ें भी मेजरमेंट के साथ लेनी है। आप लोग जाएँ तो वेट मशीन पर जिस तरह मैंने वेट किया उसी तरह कर लें वेट, तो उससे आपकी क्वांटिटी बिल्कुल सेम रहेगी और आप बहुत अच्छे केक बना सकेंगे और अंडे की स्मेल ना आए। इसके लिए मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस कुछ ड्रॉप्स डाले हैं और साथ ही मैंने येलो फूड कलर डाल दिया ताकि एक अच्छा सा कलर आ सके केक में। तो बस इसको हल्के हाथों दोबारा मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये जैसे सारा बैटर तैयार होगा तो मैंने केक का मोल्ड लिया और उसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया। तो जो बैटर बनाया मैंने वो मैंने इस पर डाल दिया। तो 1-2 बार अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि एक्सेस जो एयर है वो निकल जाए। और मैं इसको प्री हीट कढ़ाई में 35 मिनट तक पका लूँगी। आप लोग चाहें तो बेकिंग ओवन में भी पका सकते हैं। तो जब इस तरह इसके ऊपर बबल्स बनने लगे तो आपको टाइम का अंदाज़ा ख़ुद भी हो जाएगा कि आपका केक किस तरह टाइम में रेडी होगा। तो 35 मिनट जैसे हुए तो मैंने एक स्टिक लिया, तो ये चेक कर लेंगे। तो देखें स्टिक बिल्कुल क्लियर आई है, इसका मतलब है केक हमारे अंदर से भी बेक है। तो बस इसको निकाल लेंगे इसके अंदर से और थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो ये देखें हमारा जो केक है ये कितनी अच्छी तरह बेक हुआ, आप देख सकते हैं बहुत नरम है, बहुत स्पॉन्जी सॉफ्ट मज़े का केक बना है। आप इसको देख सकते हैं गोल्डन बना है ऊपर से और वाइट है। तो चाकू की मदद से इसको काट लेंगे पीसेस में। तो देख के इस तरह हमारा केक जो है वो बन गया। आप देख सकते हैं इसके फाइनल लुक कितना मज़ेदार है, कितना स्पॉन्जी है देखें। और जिस तरह हमने चीज़ें मेजरमेंट के साथ ली आप भी लेंगे तो इसी तरह आपका केक बन के आएगा। तो आप लोग ये चाय के लिए ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा। तो मैं इस वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। आप लोग अपनी पसंद की कोई रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैं वो ज़रूर बनाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।